हेलो बच्चो लेट सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज एरिस्टोटल्स लेंटर प्रेजेंट इन फर्स्ट वन इज सी लीडिस सेकेंड वन इज सी कोबर थर्ड वन इज अर्चिन एंड फोर्थ वन इज सी पेन इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि जो एरिस्टोटल्स लेंटन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की तो देखते हैं कि जो एरिस्टोटल्स लैंटर्न होता है ये क्या होता है एरिस्टोटल्स एरिस्टोटल्स लैंटर्न तो ये जो होती है एक पर फ्लेक्सिंग जो है प्लान होती है किसकी मसल्स की मसल्स की साथ ही साथ कैलकेरियस जो है टीथ की और कह सकते हैं एंड प्लेट्स शेपिंग की शेपिंग की, और ये जो है पाए जाते हैं जो एकाइनोइटीज़ होते हैं उनमें और वर्किंग इन मस्टिकेशन में ये जो है देखे जाते हैं उसके बाद बात करें माउथ जो होता है ऑन अंडर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ दियरचिन जो सियरचिन होता है जो यहाँ पे सियरचिन होता है उसमें क्या होता है उसके माउथ में बात करें ऑन दाइड अंडर साइड ऑफ बॉडी ऑफ दॉडी उनके पास पाया जाता है एक इंट्री, केट, जो है डेंटल कॉन्ट्रापेशन इसी को जो है कहा जाता है एरिस्टोटल्स लैंटर्न उसके बाद ये जो है विनोमस भी हो सकते हैं यानी कि जहरीले हो सकते हैं जो टीथ होता है यहाँ पे बात करें एरिस्टोटल्स सिलेंटर का वो रेगुलरली जो है एक्सपेल्ड होते हैं और एक्सपेल्ड होते हैं किस पे यहाँ पे कह सकते हैं स्क्रैच एलगी और जैसे कि बात करें अदर फूड जो होते हैं प्रेजेंट सी में फ्रॉम रॉक्स उसके बाद फ्यू अर्चिन जो होते हैं यहाँ पे कैन अनअर्थ कंसीलिंग स्पॉट सो यहाँ पे बात करें जो सियरचिन होते हैं वो बने हुए होते हैं मेनली कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है उसका टीथ और जॉज़ उसके बाद होता है फ्लैशी और टंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इनमें पाया जाता है उसके बाद सियरचिन के बहुत सारे स्पीसीज जो हैं, वो क्या होते हैं मरीन इनवर्टिब्रेट होते हैं और ये क्लास जो है किससे बिलोंग करते हैं Echinoides से और फाइलम जो है से जो है ये बिलोंग करते हैं इनके पास जो है ग्लोब्यूलर बॉडी प्लान देखा जाता है ग्लोब्यूलर जो है बॉडी जो है इनमें देखा जाता है और रेडियल प्लान होता है ऑर्गन्स का उसके बाद इनमें जो है क्या होता है फाइव जो है ग्रुप ऑफ पोर्स होता है जो रन होता है कहां से माउट टू दी एनस सो so, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में चलते हैं पहला जो ऑप्शन दे रखा है हमारा सी लिलीज का तो ये क्या होते हैं ये होते हैं सी क्रिएचर्स सी क्रिएचर्स जो है ये होते हैं और फाइलम जो है काइनोडर्मीटर से ये बिलोंग करते हैं और ये रिजेंबल करते हैं प्लांट और ट्री की तरह उसके बाद ये जो है कहा होते हैं डीप ओशियन में रहते हैं तो यहाँ पे ये जो एरिस्टोटल डेंटल्स होता है इनमें नहीं पाया जाता है तो क्या हो जाएगा गलत उसके बाद आते हैं सी कुकुम्बर में तो सी कुकुम्बर क्या होता है ये जो होते हैं ये भी एकाइनोडर्म्स होते हैं यानी कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं और क्लास जो होता है इनका होलो थी होता है और ये जो होते हैं मरीन एनिमल्स होते हैं और इनका स्किन जो होता है लीदर होता है और इलोंगेटेड बॉडी जो है इनके पास होती है उसके पास सिंगल और ब्रांच जो है गोनाइट पाया जाता है इनमें तो यहाँ पे अगेन जो एरिस्टोटल लेंटन होता है यहाँ नहीं पाया जाता है एरिस्टोटल लेंटन हमने देखा जो सियर्चिन होते हैं उनमें देखा जाता है तो अगर हम यहाँ पे सी ऑप्शन में चले तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमने देखा कि जो एरिस्टोटल लेंटर्न्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं सियाचिन में पाए जाते हैं उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं जो सी पेन है तो सी पेन की बात करें तो ये भी जो है फाइलम एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं और ये जो होते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं साथ ही साथ ये जो है कोलोनियल होते हैं कोलोनियन जो है मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बाद ये ऑर्डर जो है पेंटाइट ट्यूलेका से जो है ये बिलोंग करते हैं सो so, यहाँ पे अगेन ये जो एस लैंटर्न होता है इसमें नहीं पाया जाता है सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक